अपनी पसंदीदा फिल्मों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्ले मूवीज, बेल आइकन को दबाएं। राम, तुम घर लौट जाओ। किस घर की बात कर रही हो तुम? जिसकी सब उम्मीदें, सब आशाएं तुम पर हैं। नहीं रेटा, मेरे लिए वो घर नहीं, उसकी दीवारों से मुझे पाप की कमाई की बू आती है। ऐसी बातें नहीं करते राम, क्या खून का रिश्ता कभी टूट सकता है? भाभी, रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं हुआ करते, तुम्हारा मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरी मां जैसी नहीं हो। और जिस खून की तुम बात कर रही हो ना भैया, अगर मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे छोटे भाई के कातिल भी वही हैं। ऐसा मत बोल राम, तेरी इस तरह चले आने के बाद तेरे भैया बिल्कुल टूट से गए हैं। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो पता नहीं वो क्या कर बैठते। तू घर वापस चल राम, तू नहीं जानता तेरे भैया तुझसे कितना प्यार करते हैं। प्यार मैं भी बहुत करता हूं उनसे, मगर जिसके सारे बदन पर खून के छींटे पड़े हो उसे कैसे भाई कहकर पुकारूं, कैसे गले लगूं उसके जिसके जिस्म पर लक्ष्मण के खून के धब्बे पड़े हो, कैसे गले लगूं उसके। तू शायद ठीक कह रहा, लेकिन लेकिन तेरे भैया हमेशा ऐसे नहीं थे, जमाना ने उन्हें अच्छा आदमी रहने नहीं दिया। हम दोनों को बचाने के लिए उनको यह रास्ता अपनाना पड़ा। तुझे सुखी देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा। इंसान की जरूरतें उसकी जिंदगी से बढ़कर नहीं होती, और अपनों के प्यार में अंधा होकर गलत रास्ता इख्तियार कर लेने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता भाभी। देख राम, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, तू घर वापस चल। भाभी, मांगना है तो मेरे जिस्म से खून का एक कतरा मांग लो, मैं उसे निचोड़ कर तुम्हारे चरण धो दूंगा, लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं आ सकता। क्यों, क्यों नहीं आ सकता तू? सपना देखते देखते अगर अचानक नींद टूट जाए तो क्या वो सपना दोबारा देखा जा सकता है भाभी? नहीं ना, मेरा सपना भी टूट चुका है। नहीं राम। भाभी, वापस लेकर जाऊंगी, मरने से पहले मैं वादा पूरा करना चाहती हूँ। नहीं भाभी, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो भाभी, तुम्हारा वादा पूरा होगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा भाभी। चलो घर चलते, चलो। वो अब तक आए नहीं, आ जाएंगे भाभी, अभी आ जाएंगे। मैं डॉक्टर। नहीं राम, मेरी सांसें डूब रही है, काश ये डूबती सांसें उनके बाहों में, शायद वो आ गए। भैया राम, तू आ गया, मैं जानता था तू घर लौट के मेरे पास वापस जरूर आएगा। चल आज मुझको छूटे तू कसम खा कि आज के बाद तू कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, कसम खा। क्या हुआ तेरे हाथों में खून? क्या बात, बोल क्या हुआ भैया? भैया भाभी को क्या हुआ? पार्वती को? भैया भाभी को आपके दुश्मनों ने गोली मार दी भैया। हाँ हाँ भैया, पार्वती को गोली मार।
पार्वती को गोली मार। भैया ये सब क्या हो गया? पार्वती ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हारे भाई को वापस ले आई हूँ। तुम्हारा भाई वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं नहीं पार्वती, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तकदीर में शायद ही तक पार्वती छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हारी इस मौत ने मेरे सीने में एक ज्वालामुखी भर दिया है, और इस ज्वालामुखी की आग से मैं उन तमाम दुश्मनों को जिंदा जला दूंगा जिन्होंने तुम्हारी जान ली है। भैया इंतकाम की इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं। भैया मैं उन सब हरामजादों को आपके कदमों में घसीट लाया हूं जो मेरी भाभी के खून के जिम्मेदार हैं। ये लीजिए भैया, ये लो, निकल निकल बाहर हरामजादो, निकल। ये लीजिए भैया, और इनको इनके किए की सजा दीजिए। भैया गोली मारी ने भैया, किल देम, किल देम भैया, भैया किल देम, आई सेड किल देम भैया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया राम, दोस्त भी दुश्मन भी अपने भी पराए भी। अब मैं बहुत थक गया राम, बहुत थक गया हूं। चल अपने आप को पुलिस के हवाले करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता हूं, तभी शायद पार्वती की आत्मा को शांति मिले। चल मैं आपके साथ हूं भैया, साथ हूं मैं। जिंदा है ना? क्या नाम है मेरा? शाकाल। मेरे नाम का मतलब? जी वो शाकाल जी, यानी मौत का बादशाह जी। और मौत के बादशाह को कभी मौत नहीं आती, लेकिन उन दोनों को जरूर मौत आएगी, जरूर आएगी। चलो
क्यों बे? अपने बाप को जिंदा देखकर हैरान हो गया क्या? जिस तरह मेरी गोलियां तेरे बुलेट प्रूफ जैकेट से टकरा कर लौट गई थी, उसी तरह तेरी गोलियां भी मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट से टकरा कर लौट गई। प्रशांत कुमार और पीके, अब बाजी मेरे हाथ में है, मेरे। अबे हिम्मत है तो नीचे आ ना मर, ऊपर से क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया कि कुत्ते के साथ साथ एक कुत्ते का पिल्ला भी है। मैं पिल्ले को पहले मारूंगा। प्रशांत नहीं, देख आखिरी बाजी। नहीं 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 नहीं, भैया राम, मेरे भाई राम। भैया भैया, ये आपने क्या किया मेरी जान बचाने के लिए? राम, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख भाई, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक वादा करना होगा। जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी कष्ट क्यों नहीं झेलने पड़े, तो कभी पाप के रास्ते पे नहीं जाएगा, पाप को कभी अपने सीने से नहीं लगाएगा। हाँ, मुझे वचन देना। हाँ मैं वचन देता हूँ भैया,